सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर आईडी के बारे में। गाइस काफी सारे लोगों का फ्री फायर का जो आईडी है बिना रीजन का यहाँ पे सस्पेंड हो रहा है, बिना रीजन का गाइस आप लोग का जो आईडी है वो बैन हो रहा है। ठीक है, अगर गाइस आपका भी फ्री फायर आईडी बिना रीजन से बैन हो चुका है, बिना रीजन से सस्पेंड हो चुका है, तो गाइस आप लोग इस वाले वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो के अंदर जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसको फॉलो करने के बाद आपका जो आईडी है वो 100% अनबैन हो जाएगा। ठीक है, मैंने काफी सारे लोगों का आईडी अनबैन करा के दिया है, आपका भी आईडी अनबैन करा के दूंगा, लेकिन उससे पहले गाइस आप लोग को जो ट्रिक बताऊंगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी गाइस आप लोग का आईडी अनबैन होगा। ठीक है, और गैना की तरफ से जो भी मेल आएगा मेरे को रिप्लाई करना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये रिप्लाई मेल आया है, इसको आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, और गैना को मेल कहां से करना है सब कुछ आपको इस वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देख लेना। लेकिन उससे पहले जितने मेरे चैनल पर न्यू या फिर पहली बार हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन ऑल प्रेस कर दो ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं आप लोग फ्री फायर आईडी को अनबैन कैसे करा सकते हो। तो गाइस देखो, अगर आप भी आईडी यहाँ पे बैन या फिर सस्पेंड हो गया है उसको आप लोग अनबैन कराना चाहते हो तो कैसे करा सकते हो, चलो आपको ए टू जेड बताता हूँ। उसके लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, सिंपल से आप लोग को इंस्टाग्राम के लिंक पे क्लिक करके इंस्टाग्राम को आप लोग को ओपन कर लेना है। जैसे कैसे आप लोग इंस्टाग्राम को ओपन करोगे आप लोग को मेरे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आ जाना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आने के बाद आप लोग चाहो तो मेरे को फॉलो भी कर सकते हो, आप लोग नहीं चाहो तो फॉलो भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, फॉलो करना चाहे कर लेना, नहीं तो करना कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके नीचे आप लोग यहाँ पे देखो तो आप लोग को यहाँ पे मिलेगा एक BIT लिंक। ठीक है, BIT लिंक मिलेगा, इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कुछ स्टेप से फिर आ जाएगा, जिससे कि आप लोग उसमें देख सकते हो। और फास्ट में जो गाइस आप लोग को वेबसाइट मिलेगा, इस वाले वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लेना। जैसे गाइस आप लोग इस वाले वेबसाइट को आप लोग ओपन करोगे आप लोगों के सामने कुछ स्टेप से फिर आ जाएगा, आप लोग रखना है राइट साइड में। गाइस आप लोग देखो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल आप लोग को यहाँ पर सर्च करना है DNS। ठीक है, DNS लिख के सर्च करना। जैसे कैसे आप लोग DNS लिख के सर्च करोगे आप लोगों के सामने गाइस यहाँ पे DNS का पोस्ट आएगा, इस वाले पोस्ट को आप लोग ओपन कर लेना। जैसे कैसे आप लोग इस वाले पोस्ट को ओपन करोगे कुछ एड्स वगैरह आएगा, उसको कट कर देना। एड्स कट करने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे के साइड चले जाना है। ठीक है, नीचे के साइड जैसे कैसे आप लोग आओगे यहाँ पे मिलेगा आप लोग को एक ऑप्शन फ्री फायर आईडी बैन। ठीक है, फ्री फायर आईडी अनबैन यहाँ पे नीचे मिलेगा, क्लिक हियर का ऑप्शन। ठीक है, आप लोग देखो यहाँ पे पढ़ोगे ऊपर में देखो ना फ्री फायर लोडिंग प्रॉब्लम लिखा हुआ है, वहाँ पर इसके नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग सेकेंड मिलेगा फ्री फायर आईडी अनबैन, उसका नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे गाइस आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फ्री फायर आईडी अनबैन, फ्री फायर आईडी अनबैन कैसे करें 2023 पूरी जानकारी। ठीक है, इस वाले पोस्ट के नीचे आप लोग आ जाना है और यहाँ पे गए तो आप लोग को सब कुछ यहाँ पे बताया गया है किस टाइप से आप लोग को अनबैन करना है। ठीक है, तो गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल से गाइस आप लोग को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे के साइड आ जाना है। नीचे के साइड आने के बाद गाइस आप लोग को मिलेगा यहाँ पे बैन अप्रूवल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और नीचे मिलेगा आपको डाउनलोड नाउ का बटन, इस वाले बटन पर क्लिक कर देना। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो आप लोगों के सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे गाइस आप लोगों को 30 सेकंड आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे 30 सेकंड तक वेट कर लेना है, जो कि आप लोग भी इसकी में देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ फटाफट 30 सेकंड वेट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ आगे क्या करना है। लेकिन उससे पहले इतने वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको 100% फॉलो करो, आप लोगों का आईडी 100% अनबैन हो जाएगा, मेरा गारंटी है। मैंने बहुत सारे आईडी को अनबैन करा के दिया, आपका भी आईडी अनबैन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, लास्ट में गाइस एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि हाँ भाई आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, इसलिए लास्ट तक वीडियो देख लो। ठीक है, तो गाइस देखो टाइमिंग खत्म होती है, आप लोगों के सामने एक न्यू ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे हेलो से लेकर के, ठीक है, हेलो से लेकर के गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ नीचे आ जाना है और यहाँ पे गाइस देखो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे थैंक यू का ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोगों को थैंक यू तक यार कॉपी करना है। ठीक है, मैं अच्छे से आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। ठीक है, मेरा हाथ थोड़ा सा यहाँ पे पिछड़ रहा है जो कि आप लोग भी देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे गाइस हम लोग को क्या करना है, हेलो तक आप लोग को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप लोगों को एक स्टेप आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद गाइस आप लोग को मिलेगा नीचे देखो यहाँ पे, ठीक है, आप लोग को यहाँ पे मिलेगा एक वेबसाइट लिंक और नीचे मिलेगा क्लिक हियर का ऑप्शन। आप लोग क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओपन करना है। जैसे गाइस आप लोग इसको ओपन करते हो आप लोगों के सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, साइनिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप लोग साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे गाइस देखो आप लोगों को काफी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, आपको उस आईडी से मतलब उस अकाउंट से लॉग इन करना है जो अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया है। यानी कि बोले तो अगर आपका फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हुआ तो फेसबुक से लॉग इन करना, अगर आपका जीमेल हुआ तो जीमेल से लॉग इन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा तो कोई आईडी सस्पेंड नहीं हुआ, लेकिन आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे जीमेल से लॉग इन कर लेता हूँ।
तो गाइस देखो आईडी लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा, जहां पे देखो आप लोगों को साइनिंग ऑप्शन मिला तो वहां पे आपको नाम मिल जाएगा, नेम पे आपको टैप करना है, टैप करने आपको सबमिट और रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप लोग सबमिट और रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप से फिर आ जाएगा, जहां पे गाइस एक खाली कॉलम दिख रहा है, इस वाले कॉलम पे क्लिक करना है और आप लोग को सिलेक्ट करना है कि आपको किस बारे में आपको मैसेज करना है। ठीक है, तो मेरे को करना है बैन अप्रूवल के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आपका आईडी आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्रीन शॉट बैन मैसेज, हाँ यस मैं स्क्रीन शॉट भी देना दूंगा, प्राइवेसी पॉलिसी यस इसको कर देना और डिस्क्रिप्शन की जगह गाइस आपको क्या करना है, जो मैंने आपको वहाँ पे कॉपी कराया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद कैसे आप लोग को इसको मैं आप लोग को सर्च करना है, यहाँ पे लिखा हुआ यूर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करना है, यूर आईडी जितना लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कैसे आपको अपना जो आईडी होता है उसको डाल देना। ठीक है, आईडी डालने के बाद सब कुछ चेक कर लेना है, सब कुछ चेक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ऐड फाइल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फोन का जो गैलरी होता है वो ओपन हो जाएगा। गैलरी ओपन होने के बाद कैसे आप लोग क्या करना है, आपका जो फ्री फायर का आईडी है, ठीक है, जो आपका फ्री फायर का आईडी है ना उसका जब आप लोग ओपन करते हो, जो आपका सस्पेंड बैन लिख के आता है उसका एक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपलोड कर देना। इस तरह करने का आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करोगे आप लोगों का जो रिक्वेस्ट होगा वो 100% कहना को सेंड हो जाएगा। कहना को सेंड होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ स्टेप ऑप्शन आ जाएगा। आने के बाद कैसे आप लोग को यहाँ माई रिक्वेस्ट पे आ जाना। आने के बाद देखो यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप लोग का यहाँ पे देखो मैंने कितना बार यहाँ पे मैसेज किया, तो मेरे को कहना की तरफ से भी यहाँ पे रिप्लाई आया जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस इस टाइप से कैसे आपको भी कहना का रिप्लाई आएगा और कहना क्या रिप्लाई करता है आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना, नहीं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो किए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही गाइस आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर गाइस देखो अगर आपका कोई आईडी बैन हुआ है किस रीजन से, हैक के रीजन से या फिर कोई भी अदर रीजन से अगर आपका आईडी बैन हुआ है तो आपका आईडी वापस नहीं आएगा। अगर आपका बिना रीजन से अगर आपका आईडी बैन हुआ है तो 100% वापस आ जाएगा, मेरा गारंटी लिख के ले लो। ठीक है, तो कैसे लाना है मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इस टाइप से लोग फॉलो करो आपका आईडी वापस आ जाएगा। ठीक है, काफी से बदले बोलते झूठ झूठ, तो भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप लोग को प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड को। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने काफी से लोगों से बात करके करके उसका जो आईडी होता है वो उसको वापस जो कि आरोग्य दे सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से गाइस आप लोग का भी आईडी यहाँ पे वापस आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो गाइस इतना भी इंफॉर्मेशन सब कुछ मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन ऑल प्रेस कर देना। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो अंदर तक मिलते हैं और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।